एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 13 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर IAS, बैंक, SSC, RRB एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, दोपहर के 4 बजे एग्जाम के बाद जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है, और दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न हिस्ट्री जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। हमारे यहाँ पर सैटरडे करंट अफेयर्स को छोड़कर और कोई क्लासेस नहीं होती है। इसका रीज़न ये है कि सैटरडे जो हमारे पास टाइम रहता है वो आपके रिवीजन के लिए दिया जाता है, मतलब सैटरडे रिवीजन डे होता है आपका। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस हमारे यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस रखे गए, आप जाकर देख सकते हैं। 9000 GK वन लाइनर बाई टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। एग्जाम के बाद 5 जून से कंटिन्यू है, ये भी वीडियोस प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। जस्ट आपको सर्च करना है एग्जाम के बाद। हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम एट होम, घर बैठे SSC की तैयारी कैसे करें। जो जो स्टूडेंट्स हैं, SSC के कैंडिडेट हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं उनके लिए स्पेशल सेशन स्टार्ट करूंगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैरियर स्नाइपर प्रोएक्टिव फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। ये पेड कोर्स होगा, अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो प्रीयर बुकिंग चल रही है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अमर सर से। SSC, CDS, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ करवाई जाती है। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता होगा कि 15 जून से एक जगह क्लासेस शुरू होने वाली है, SD सर की क्लासेस। आई होप आपने SD सर का नाम सुना होगा। तो SD सर की क्लासेस शुरू होने वाली है, मतलब ये ऑनलाइन बैच है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी क्लास लेंगे, जहाँ पर SSC, रेल, WBCS, WBPSC, WBP और TET जैसे एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, GK, रीजनिंग की क्लासेस होगी। मैथ की क्लासेस SD सर खुद ले रहे हैं और रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, मतलब तरुण शर्मा। अगर आपको ज्वाइनिंग से संबंधित कोई बात करनी है, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो आप SD सर एंड टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है। ये बंगाली मीडियम स्टूडेंट लोगों के लिए होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉप 15 क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज ऑर्डर्ड अ लॉकडाउन ऑन द वीकेंड्स एंड द पब्लिक हॉलीडे, किस राज्य ने सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर तालाबंदी का आदेश दिया है। दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा या केरला। इसमें हुआ क्या है एक्चुअली, जो सैटरडे संडे हॉलीडे होता है और छुट्टी होती है वीकेंड की, और साथ ही साथ जो हॉलीडेज होंगे उसमें लॉकडाउन की घोषणा की गई है कि वो दिन लॉकडाउन होगा, आपको घर ही में रहना है। और अदरवाइज जो वीकडेज होता है, जैसे काम पे दिन जाते हैं मंडे टू आपका फ्राइडे तक, तो वो ऑफिशियल डे होगा, उस दिन खुले रहेंगे सब कुछ। तो कौन सा स्टेट है, पंजाब, जिसने ये लागू किया है। विच स्टेट हैज द लॉन्च अ स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन, किस राज्य ने राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान शुरू किया है COVID-19 के लिए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। हु हैज डायरेक्टेड फॉर्मेशंस ऑफ अ कमिटी टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग हॉस्टल एज COVID-19 हॉस्पिटल्स। COVID-19 अस्पतालों के रूप में होटलों को उपयोग की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति का गठन निर्देश किया गया है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट, किसने निर्देश किया है, तो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ICMR या सेंटर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये किया है। व्हेन वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। 11 जून, 10 जून, 12 जून या 9 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 जून को, मतलब कल ये मनाया गया है। हु हैज वॉन द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज, 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है। डॉक्टर रतनलाल राम, राजेश शंकरंग, अरुणाचल अरुणाचल और श्रीनिवास या होशाहली एस रामास्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर रतनलाल। गाइज, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कम से कम एक शेयर तो बनता है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाणक्या लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। बहुत जल्द मतलब मुझे लगता है कि 22 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 25 होने में अब टाइम नहीं है और 3 सब्सक्राइब जैसे ही होंगे हमारे यहाँ पर 25 का जो टारगेट रखा गया वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैं बोर्ड का यूज़ करूँगा, मतलब ये जो चैनल चल रहा है टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये जैसे थ्योरी पार्ट के लिए है वैसे ही ये जो होगा मैथ और रीजनिंग के लिए मैं चालू कर रहा हूँ। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे बेल आइकन माने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। विच स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड स्पेशल टास्क फोर्सेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया है? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान टू प्रोवाइड 1 मिलियन जॉब इन द नेक्स्ट 6 मंथ? किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? माने 6 महीने में 10 लाख जॉब मिलेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश ने ये योजना लागू की है, माने ये प्लान प्रिपेयर किया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद महिंद्रा फाइनेंस टू प्रोवाइड व्हीकल्स लोन? महिंद्रा फाइनेंस के साथ निम्न में से किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो लिमिटेड या होंडा मोटर्स कंपनी? तो इसका करेक्ट आंसर है मारुति सुजुकी ने ये किया है एग्रीमेंट। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इन एटलीस्ट लास्ट 2 डिकेड्स? हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? इराक, ईरान, रशिया या सऊदी अरेबिया? तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। आगे देख लेते हैं, विच इंडियंस हैव रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल? हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? मोहित अग्रवाल, रंजीत कुमार, राहुल सचदेवा या अनमोल कुमार? तो इसका करेक्ट आंसर है रंजीत कुमार को यह अवार्ड दिया गया है। विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट फॉर कोविड-19? हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी हैदराबाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ द स्टेट बिन ओपन? उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? हल्द्वानी, चामोली, टिहरी, गढ़वाल या फिर रुद्रप्रयाग? तो इसका करेक्ट आंसर है हल्द्वानी। प्रीतम सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द रिनोन्ड? प्रीतम सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ये मैनेजमेंट ट्रेनर, लॉयर मतलब वकील, एथलेटिक मतलब एथलेटिक्स, एक्टर मतलब अभिनेता अभिनेता? तो इसका करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट ट्रेनर थे ये। पियरी नरकुन निजा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पियरी नरकुन निजा जो हाल ही में निधन हो गया है जिनका, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? रवांडा, कॉन्गो, तंजानिया या ब्रुंदी? तो इसका करेक्ट आंसर है वो ब्रुंदी से बिलोंग करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको इग्नोर नहीं करना है। आगे देख लेते हैं, कर्ट बिल्सो थॉमस हु इज इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कर्ट बिल्सो थॉमस जो हाल ही में समाचार में है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस या फिर जिमनास्टिक? तो इसका करेक्ट आंसर है वो जिमनास्टिक से बिलोंग करते हैं। सो गाइज, अब इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। इनिशिएटिव जो नए स्टूडेंट हैं उनके बता दिया जाए, इनिशिएटिव का मतलब होता है बेस नॉलेज को डेवलप करना। जब तक आपका बेस नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और आपका टारगेट है गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से होता है ये। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ए बी पी एम जे ए वाई, ए बी पी एम जे ए वाई
ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए। लॉन्च हुआ था ये 23 सितंबर 2008 को। इसका ये क्या प्रोवाइड करता है, हेल्थ कवर देता है 5 लाख रुपया का पर फैमिली पर ईयर। सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर भी देता है हॉस्पिटलाइज का, जो 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को दिया गया। इट इज कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम। ये कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम है जो इम्प्लीमेंट किया गया था NHA के द्वारा, नेशनल हेल्थ के द्वारा। सीईओ कौन है इसके, तो इसके सीईओ है डॉक्टर इंदु भूषण। इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी इज द नेवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी। ये आपको याद रखना है, इसके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो होते हैं वही सुप्रीम कमांडर होते हैं। आपको वैसे ही बता दूं कि तीन जो पोस्ट होती है, जैसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, के सुप्रीम कमांडर ऑलवेज प्रेसिडेंट ही होंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेवी इज टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज मैरिटाइम बॉर्डर एंड हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ इट्स फोर्सेज। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमायरल करमबीर सिंह, ये याद रखना है आपको। थ्री कमांड्स अंडर द नेवी, नेवी के अंदर तीन कमांड होते हैं, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और साउदर्न कमांड। इसको आपको देख लेना है। वेस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ईस्टर्न कमांड का है विशाखापट्टनम में, और साउदर्न कमांड का है आपका कोची में। जल जीवन मिशन के तहत देख लेते हैं, इसका एम क्या है। हर एक ग्रामीण एरिया में आपकी जल की उपलब्धता पहुंचाना, माने जल पहुंचाना, ये आपको देख लेना है। कितना, 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ये याद रखना है आपको। और ये साथ ही साथ रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। गिर नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द गिर नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है ये इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। इट इज द लार्जेस्ट कॉम्पैक्टेड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे किस तरह की फॉरेस्ट पाई जाती है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड द सेंचुरी 1965। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना है आपको। यहाँ देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD शॉर्ट में कहते हैं इसे। सेक्रेटरी जनरल कौन है, जॉश एंजल ग्वेरी ट्रिवेनो। चीफ इकोनॉमिक्स कौन है, लॉरेंस बून, और हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। मेंबर्स कंट्री कितने हैं, 737, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर जनरल कौन है, डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कैपिटल है कैनबेरा। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, अमरावती इसकी कैपिटल है। यहाँ आप देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश। ओके, इसके मैप को याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। अमरावती इसकी कैपिटल है। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हुरुलापादू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडाला गुंडला वाइल्ड लाइफ गुंडला, ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीलंका मालेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मेरे ख्याल से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दिया रहेगा श्रीलंका, तो हम लोग सब टिक करके आएंगे श्रीलंका, तो जबकि ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में, याद रखना है, श्रीलंका मालेश्वरा। ओके, और श्री पेनुशीला नरसिम्हा स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कम्बा लाकुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद कर लेना है, गिर को भी याद रखना है और इसे भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। डैम्स क्या क्या है, ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयना डैम यहाँ पर है, जैक वादी डैम यहाँ पर है, ईशापुर डैम है, मुलसी डैम है और उज्जैनी डैम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है महाराष्ट्र, याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे देख लेते हैं गुजरात के बारे में। चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी, और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है गुजरात। सो गाइज अब लास्ट डे के मतलब 12 तारीख के जो करंट अफेयर्स के जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका आंसर देख लेते हैं। भेल हैज कमीशन 270 मेगावाट यूनिट 1 ऑफ भद्राद्री थर्मल पावर प्लांट इन विच स्टेट, ये है तेलंगाना में। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्स अ नेशनल इमरजेंसी आफ्टर अ मैसिव फ्यूल लीक स्पिल्ड इनटू अम्बारन्या रिवर साइबेरिया इन आर्कटिक रीजन, ये है रशिया में। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी है मसास्गु आसाकावा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, कोलकाता में। मयूर नृत्य इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, ये उत्तर प्रदेश का डांस है मयूर नृत्य।
आज के टॉप 5 क्वेश्चन के ऊपर नजर देख लेते हैं। गलवान वैली इज लोकेटेड इन विच इज इंडियन स्टेट या यूटी आपको बताना है। रोदे आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री। व्हाट इज एस इन स्वयं पोर्टल ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री स्टैंड फॉर। जो स्वयं पोर्टल है उसमें एस किसको डिनोट करता है ये आपको बताना है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी ये कहाँ पर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। सो गाइज इंपॉर्टेंट डे नहीं है आज, अगर इंपॉर्टेंट डे होता तो मैं बता देता। देखिए मैं इंपॉर्टेंट डे आप देखते होंगे कि कभी कभी मैं फिर इंपॉर्टेंट डे बता देता हूँ, लेकिन आप गौर करना जब मैं क्वेश्चन देता हूँ जब आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ तो वो नेशनल इंपॉर्टेंट डे नहीं है, वो आपका स्टेट का डेज होता है। नेशनल इंपॉर्टेंट मतलब पूरे इंडिया में मनाया जाए तो वो होता है नेशनल। तो यहाँ नेशनल या इंटरनेशनल जो होते हैं वही मैं देता हूँ। ओके तो यहाँ देखिए कोई नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो आज मैं इनके बारे में फिर बताना जा रहा हूँ। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन सभी जो पक्षी होते हैं जब बरसात होती है तो वो छाया खोजते हैं क्योंकि वो भीग ना जाए तबीयत ना खराब हो जाए उनकी। बट ईगल अवॉइड्स रेन बाई फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स लेकिन जो चील होता है ईगल होता है वो हमेशा बारिश को इग्नोर करते हुए बादलों के ऊपर पहुंच जाता है वो, क्योंकि बादल यहाँ बनेंगे अगर तो बारिश तो इस जगह होगी लेकिन वो क्या करता है ऊपर का सोचता है ऊपर जाता है। तो इस लाइन से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही लॉकडाउन है आपको बहुत जन बहुत कुछ कहेंगे कि अभी पढ़ने का क्या होगा, अभी तो बहुत समय है, गवर्नमेंट एग्जाम का क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, ये सब बेकार है। तो आपको ऊपर सोचना है, एक स्टेप आगे जाकर सोचना है, बाकी क्या बोल रहे हैं आपको नहीं देखना है, वो आपको आगे बढ़ना है। आज अगर 10 लाख स्टूडेंट अगर एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद रखना है आपको उनके ऊपर की सोच रखनी है, मतलब ये जॉब आपको लेना है। सो गाइज आज का सेशन कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो गाइज मिलते हैं दोपहर के 4 बजे। ओके और एग्जाम की बात आज हमारा कवर हुआ है, कल मिलते हैं माने आज शाम को मिलते हैं, दोपहर के 4 बजे मिलते हैं हम हिस्ट्री की क्लास के साथ। सो गाइज थैंक यू।